फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम अजय राणा है और प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ ज्यादा डिमांड आ रही थी यार। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट बताता हूँ, वो एक टाइप के ऊपर पूरा पूरा यूजफुल होगा आपके लिए और उस टाइप को समझेंगे। तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की दो तीन मिनट आपको बेसिक सी बातें बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जहां तक है मैं आपको मान लूं कि वो आपको आ रही होगी, जैसे 20% को हम 1/5 लिख रहे होते हैं, 25% को हम 1/4 लिख रहे होते हैं, ठीक है, 12.5% को 1/8 लिख रहे होते हैं, 14.7% को हम 1/7 लिख रहे हो रहते हैं। तो इन चीजों को आप छोटी छोटी सी चीजें माइंड करेंगे। देखो इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक पार्ट तो यही है, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसी के साथ हम छोटा सा पार्ट डिस्काउंट भी देख लेंगे, डिस्काउंट देख लेंगे। देखो इसमें तीन चीजें मेनली हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो बेसिक पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में सबकी रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है और इन तीन चीजों को एक बार समझेंगे। सीपी है भाई, एसपी और एमआर, ये तीन चीजें, सीपी एसपी एमआर के। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसे कई नामों से जाना जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो अधिकतम मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य, और भी कई सारे नाम से इसे बोला जा सकता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन दोनों की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर की जाएगी। सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं कमीशन, कमीशन, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं एमआरपी के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो होगी वो हमेशा सीपी के ऊपर होगी, ठीक है। एक केस आएगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशन तो एक बार चेंज हो जाएगी, वो आपको लिख कर दे रहा होगा उस केस को, ठीक है। अदरवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन सीपी के ऊपर कर रहे होंगे। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा स्टार्टिंग में, समझेंगे 5 मिनट समझेंगे, उसके बाद फिर हम मूव करते जाएंगे आगे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, अशोक कीपर सोल्ड एन आर्टिकल, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 720 rupees, फाइंड सेलिंग प्राइस। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझेंगे। 12.5% को फ्रैक्शन में लिख रहे होते हैं भाई 1/8, और मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं सीपी के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करें सीपी के ऊपर। कैसे कैलकुलेट करें सीपी के ऊपर, जैसे छोटी सी बात में देखो, समझो यहीं पे अगर एक आर्टिकल हमने खरीद लिया 20 रुपए का और हमने उसे बेच दिया 25 रुपए का, उसका मतलब हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसका मतलब 20 रुपए के ऊपर, और परसेंटेज के लिए जाएंगे हम 100 पे, तो इसका मतलब 20 से गया 5 हुआ, तो ये 25% को हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमने सीपी रखा है और न्यूमिनेटर में हमने प्रॉफिट रखा है, तो इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगी, हर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सीपी और न्यूमिनेटर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी यही बात है, ये 1/8 है, इसका मतलब अगर 8 रुपए सीपी है तो पक्का 1 रुपए का क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। 8 रुपए सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 8 रुपए की चीज पर अगर 1 रुपए का प्रॉफिट है तो इसका मतलब वो चीज पक्का हमने कितने में बेची होगी, 9 में बेची होगी। ये बात की श्योरिटी है कि सीपी अगर 8 है तो एसपी पक्का रहा होगा 9, लेकिन सीपी 8 नहीं है, सीपी दिया हुआ है 720 रुपए, उसका मतलब जो हमारे हिसाब से 8 है वही क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया 720 रुपए, जो हमारे हिसाब से 8 है वही क्वेश्चन के हिसाब से 720 रुपए है, इसका मतलब 90 गुना है। तो इसमें भी हम 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा 810।
आंसर निकलेगा 8106। इस बात को आप घुमा के भी लिख सकते हो, वो तो आपके लिए प्रोसेस है। आप ऐसा लिखना चाहते हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू है 720 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 720 डिवाइड बाय 8, तो 90 आएगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 90 810 रुपए। बात एक ही है, किसी भी तरीके से आप इसे लिख लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको हो जाएगा, देखो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। द शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16.23% प्रॉफिट, इफ सेलिंग प्राइस इज 4249 रुपीस, फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो फिर वही कंडीशन है, 16.23% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लिख रहे होते हैं 1/6। तो फिर वही कंडीशन, सीपी अगर 6 है तो 1 रुपए का पक्का प्रॉफिट रहा होगा, तो 6 रुपए हो गया सीपी, और प्रॉफिट 1 रुपए होने के बाद सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 7। लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 7 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4249 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 7 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4249 रुपीज। इसका मतलब हमारे वाले 7 की वैल्यू दी है 4249, इसका मतलब ये 607 गुना है। तो इसमें भी हम 607 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 607 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3642 3642 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग के इनिशियल क्वेश्चन जो आपकी बुक में होंगे वो इसी फॉर्मेट पर जा रहे होंगे, ठीक है। आगे हम एक टाइप की बात करते हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखें, देखो एक क्वेश्चन टाइप होती है इक्वल सेलिंग प्राइस, इक्वल सेलिंग प्राइस मतलब उन दो आर्टिकल के प्राइस या दो आर्टिकल के प्राइस इक्वल होंगे, बेस्टेड सेलिंग प्राइस जो है उनका इक्वल होगा। मान लो ये एक मार्कर है, मैं इसे 20 रुपए में खरीद कर लेके आया, और ये एक कैप है, इसे मैं 10 रुपए में खरीद कर लेके आया, मैंने ये भी 30 रुपए का बेच दिया और ये भी 30 रुपए का बेच दिया, तो बेस्टेड टाइम क्या है, इनका प्राइस इक्वल होगा, मतलब इनका सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों कम में खरीदेंगे, मतलब दोनों के ऊपर प्रॉफिट ही हो, एक के ऊपर प्रॉफिट एक के ऊपर लॉस भी हो सकता है, दोनों के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उन कंडीशन में एक बार देख लेंगे कि ये टाइप क्या कहती है। एक इसका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टू हॉर्सेस बोट फॉर ₹87,000, दो घोड़े 87,000 रुपए के खरीदे जाते हैं, पहले घोड़े को 60% के प्रॉफिट पर, पहले घोड़े को 60% के प्रॉफिट पर, और दूसरे घोड़े को 20% के लॉस पर बेचा जाता है, दूसरे घोड़े को 20% के लॉस पर बेचा जाता है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ हॉर्सेस आर सेम, फाइंड सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स, फाइंड सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स। दो घोड़े 87,000 रुपए खरीदे जाते हैं, पहले को 60% के प्रॉफिट पर लाभ पर, दूसरे घोड़े को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, इन दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। देखो क्वेश्चन कई फॉर्मेट के ऊपर किया जा सकता है, क्वेश्चन कई कई तरीके से किया जा सकता है, मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ, एक बार आप समझेंगे क्वेश्चन को। देखो दो घोड़े हमने 87,000 रुपए के खरीदे, 87,000 रुपए के खरीदे, और पहले घोड़े का जो सीपी है उसे सीपी 1 बोल दिया और इसे सीपी 2 बोल दिया। तो अगर देखो कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा। देखो अगर 100% कॉस्ट प्राइस है ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, फ्लक्चुएट करेगा सेलिंग प्राइस। अगर आपको 10% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 110% होगा,
10% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 90% होगा, आपको 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 120% होगा, 20% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 80% होगा, अगर आपको 30% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 130% होगा और 30% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 70% होगा। मतलब वेरी करेगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एसपी और लॉस के अकॉर्डिंग एसपी, सीपी कभी भी वेरी नहीं करेगा, सीपी हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी है तो हमेशा 100% रहती है। तो इसी कंडीशन पर अगर आप इस बात को समझेंगे तो पहले घोड़े के ऊपर आपको बोला गया था कि 60% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस 160% होना चाहिए, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस की 160% रही होगी। दूसरे घोड़े के ऊपर हमें 80% का सेलिंग प्राइस रह जाएगा क्योंकि 20% उसमें लॉस है, तो 20% लॉस होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 80% रह जाएगी। और आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसका मतलब हमने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो अगर मैं इसे 80% से 160% को काट दूं दो बार कट जाएगा, इसका मतलब CP1 और CP2 को हम लिख सकते हैं यहां से 1/2, कि अगर पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस 1 है तो दूसरे घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2, तो पहला 1 में दूसरा 2 में, तो दोनों मिला के इसका मतलब 3 यूनिट के खरीद लिए गए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 87,000 के खरीदे गए, तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है 87,000 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू है 29,000 रुपये, और पहला घोड़ा 1 यूनिट में खरीदा गया तो हमारा आंसर हो गया 29,000 रुपये। अगर मान लो दूसरे यूनिट का पूछ रहा था तो लिख देते कि 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 58,000 रुपये, तो दूसरे घोड़े का अगर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता तो आंसर हो गया होता 58,000 रुपये। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं। और भी कई प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको एक पुराना प्रोसेस बता दिया इसका कि आप इस तरीके से जा सकते हैं बड़े नॉर्मल वे में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, ठीक है, ये आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है, ये अच्छा इस वजह से लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को जल्दी से करा के देता है, ठीक है, ये इसमें यहाँ जब तक कॉस्ट प्राइस लिख के दे रहा है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व होता जाएगा, लेकिन ये आगे जाने के बाद इस टाइप का फ्लैक्चुएट कराएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस देना शुरू करेगा, ठीक है, और इन क्वेश्चन में वेरिएशन लेके आता रहेगा, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे पूरी टाइप को, आपका पूरी टाइप क्लियर हो जाएगी, आज के बाद पढ़ने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप को समझेंगे। और देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं नॉर्मल सा, एक इसी पोर्शन को अगर आप दूसरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो देख सकते, पहले घोड़े को हम 60% के प्रॉफिट पे बेच और दूसरे घोड़े को हम 20% के लॉस पे बेच रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि भाई प्रोडक्शन वैल्यू एक बार देख लेना, प्रोडक्शन वैल्यू 60% को हम लिख सकते 60/100, तो 20 से काट देंगे 3 बार और 20 से जाएगा 5 बार, इसका मतलब 3/5 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 60% की, तो वही फ्रैक्शन वैल्यू बोला कि अगर नीचे कॉस्ट प्राइस तो ऊपर होगा प्रॉफिट, तो इसका मतलब अगर सीपी 5 है तो एसपी हो जाएगा 3 जोड़ने के बाद 8, 20% लॉस है तो इसका मतलब 1/5 है तो ऊपर अब की बार चला जाएगा भाई लॉस, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 5 सीपी है तो 1 लॉस के बाद एसपी हो जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन भी साफ साफ बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल होने का मतलब है कि ये पार्ट हमारा इक्वल होना चाहिए था, तो इस पार्ट को आप इक्वल कैसे कर सकते हो, या तो इस रेशियो में आप 2 की मल्टीप्लाई कराओ या इस रेशियो में आप 2 से डिवाइड कराओ, ठीक है, तो मैं इस रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, 2 की मल्टीप्लाई की तो रेशियो हो गया 5/8 और 10/8। तो देखो पहला घोड़ा अगर 5 रुपए का है तो दूसरा घोड़ा कितने में खरीदा गया 10 में खरीदा गया, अगर पहला घोड़ा 5 रुपए में खरीदा गया तो दूसरा कितने में खरीदा गया 10 रुपए में खरीदा गया। यहाँ लिख लो इसे रेशियो को, ये CP1 है और ये CP2, ये 5 है ये 10 है, तो कैंसिल आउट करने के बाद 1:2 हो जाएगा, इसका मतलब टोटल 3 और फिर वही 3 की वैल्यू 87,000, 1 की वैल्यू 29,000, इसका मतलब पहला घोड़ा हो गया 29,000 रुपए का। देखो इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो ये फेल नहीं करेगा किसी भी क्वेश्चन पर, चाहे वो सेलिंग प्राइस इक्वल कर रहा हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल कर रहा हो, पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस इक्वल कर रहा हो, तो आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बड़े नॉर्मली क्वेश्चन को सारे को सोल्व कर लोगे। ठीक है, मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से समझाना, ध्यान से समझाना। देखो जैसे वो आपको बोलेगा एक टीवी है, एक डीवीडी है, एक टीवी है और एक डीवीडी है, 12,000 रुपए ईच के हिसाब से बेची जाएगी, मतलब 12,000 ईच का मतलब है कि 12,000 का टीवी बेचा गया और 12,000 की डीवीडी बेची गई,
टीवी को 20% के प्रॉफिट पर, टीवी को 20% के प्रॉफिट पर और डीवीडी को 20% के लॉस पर बेचा गया। टीवी को 20% के प्रॉफिट पर, डीवीडी को 20% के लॉस पर बेचा गया। तो आपको बोलेगा इफ एसपीबी इक्वल फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज इन दिस प्रोसेस। देखो कुछ बुक्स में इसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान बताया हुआ है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि रुपीज में अगर बात होगी तो आपको टिपिकल पड़ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इस बात को आपको क्लियर करा देगा। रुपीज में मैं इसका प्रॉफिट पूछ रहा हूँ, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में तो आप तुरंत बताओगे मुझे कि 4% हो गया, ठीक है। लेकिन आप रुपीज में बात चल रही है, तो आप अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप लिखोगे इस पे 20% का प्रॉफिट है, तो 120% की वैल्यू 12,000, तो टीवी की वैल्यू निकालोगे, फिर डीवीडी की वैल्यू निकालोगे, 80% की वैल्यू 12,000 है, वहां से करोगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे, देख लो एक बार। अगर टीवी के बारे में प्रॉपर में बात चल रही होगी तो 20% प्रॉफिट है इसका, मतलब टीवी का सेलिंग प्राइस 120% हो गया और ये बराबर जाएगा 12,000 रुपए के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 1% की वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, 10,000 के बराबर। इसका मतलब टीवी को हमने खरीद लिया 10,000 में। अब डीवीडी की बात करोगे तो डीवीडी पे फिर ऐसे लिख रहे होंगे आप कि 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब पक्का सेलिंग प्राइस 80% रहा होगा और 80% की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, 12,000 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर, 150 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, 15,000 के बराबर। इसका मतलब डीवीडी को कितने में खरीद लिया, 15,000 रुपए में। टीवी खरीदा आपने 10,000 में, डीवीडी खरीदी आपने 15,000 में, तो दोनों मिला के हमने 25,000 में खरीद लिए, दोनों मिला के हमने 25,000 में खरीद लिए। और 12,000 का एक बेचा, इसका मतलब दोनों मिला के हमने 24,000 के बेच लिए। तो इसका मतलब श्योर हो गया हम कि 1,000 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, 1,000 रुपए का हमें लॉस हो गया इस पूरे प्रोसेस में। देखो ये कंडीशन पूरी टिपिकल चली गई, ठीक है। ये लेंथी प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ 12,000 की जगह कुछ और डिजिट करता तो कट ही रही होगी, ठीक है, और नहीं कटेगी तो आपकी कैलकुलेशन फंस जाएगी। समझो यार इससे एक बार और, देखो आपको मैंने अभी अभी एक बात समझाई कि 20% जो है, 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5। तो 5 अगर सीपी है तो 1 रुपए का हो गया प्रॉफिट। तो 5 रुपए की चीज को बेचते कितने में, 6 रुपए। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। इस 20% का मतलब भी 1/5 है, तो यहाँ सीपी है यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ लॉस बोल रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर हो जाएगा लॉस। तो 5 रुपए की चीज को कितने बेचेगा, 4 रुपए। लेकिन क्वेश्चन साफ कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसका मतलब हम इस सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे तो इस रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और इस रेशियो में 3 की मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई होते ही हो गया 10 और ये हो गया 12, 3 की मल्टीप्लाई होते ही हो गया 15 और ये हो गया 12। तो देखो सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। तो इसका मतलब टीवी हमने 10 रुपए में खरीद लिया, डीवीडी 15 रुपए में खरीद ली, तो दोनों मिला के कितने में खरीदे, 25 में। टीवी बेच दिया 12 का, डीवीडी बेच दी 12 की, तो दोनों मिला के कितने में बेच दिए, 24 में। तो 25 यूनिट में अगर कोई चीज खरीद ली और 24 यूनिट में बेच दी तो इसका मतलब नुकसान कितना हो गया हमें, 1 यूनिट। लेकिन 24 यूनिट में नहीं बेची हमने, उसे कितने बेचा है, 24,000 में बेचा है। तो आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि 24 यूनिट की ही वैल्यू है 24,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सी कंडीशन है। देखो आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाओ, सारे क्वेश्चंस पे जाओ सेलिंग प्राइस वेल वाले पे, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नॉर्मली बड़े इजीली इसको वेल में सोल्व करके दे रहा होगा और कोई भी टेंशन नहीं होगी। मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ इसके समझने और। क्वेश्चन आपने जनरली देखा होगा बुक्स में लिखा होता है, उसे भी समझ लेंगे एक बार, वो आया हुआ भी ऐसी जेल में एक बार, ठीक है। एक हाउस है, एक शॉप है, वो लिखता है इसे 1 लाख ईच के हिसाब से सोल्ड किया गया, हाउस को 20% के प्रॉफिट पर,
और शॉप को 20% के लॉस पर बेचा गया। इफ एसपी बी इक्वल फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, और इसके जो ऑप्शंस दिए थे सीजीएल ने वो थे 1/6 lakhs, 1/8 lakh, 1/10 lakh, 1/12 lakh। देखो जरा 20% प्रॉफिट का मतलब, फिर वही बात, 20% को 1/5 लिखते हैं, 5 अगर सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेच देंगे हम 6, फिर वही यहाँ पे 20% का मतलब 1/5, तो 5 अगर सीपी है तो 1 रुपए का लॉस रहा होगा, तो 5 रुपए की चीज को बेच देंगे कितने में, 4 रुपए में, तो इसे बराबर बनाएंगे, अभी बनाया था पिछले क्वेश्चन में बराबर 2 और यहाँ 3, तो मल्टीप्लाई कराओगे 10, 12, 15, 12, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, तो आप खुद समझदार है, दोनों को मिलाकर 25 रुपए में खरीद लिया और दोनों को मिलाकर 24 रुपए में बेच दिया, तो 25 रुपए की चीज को 24 में बेचोगे तो इसका मतलब कितना नुकसान हो गया, 1 यूनिट का नुकसान हो गया, तो 1 यूनिट का नुकसान हो गया, लेकिन हमने 24 में नहीं बेची, 1 लाख का 1 बेचा है, तो दोनों मिलाकर कितने के हो गए, 2 लाख के हो गए कि नहीं हो गए, तो जो 24 यूनिट हमारे हिसाब से वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, तो 24 यूनिट की वैल्यू है 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2/24 लाख, इसका मतलब 1/12 लाख। बहुत इस कंडीशन इतनी टिपिकल नहीं है, बस आप इस बात को थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, और अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो सारे क्वेश्चन अपने आप खुद ब खुद कर लोगे। देखो यार, समझना, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आया और भी, सेलिंग प्राइस ऑफ टू हॉर्सेस, सेलिंग प्राइस ऑफ टू हॉर्सेस 11900, दो घोड़े 11900 रुपए के बेचे जाते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ टू हॉर्सेस 11900, फर्स्ट हॉर्स इज सोल्ड एट 30% लॉस एंड सेकेंड हॉर्स इज सोल्ड एट 25% गेन 25% प्रॉफिट कुछ भी बोल सकते हो। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन दिस प्रोसेस इन रुपीज, दो घोड़ों का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 11900 रुपए है, पहले घोड़े को हमने 30% के लॉस पे बेच दिया, दूसरे घोड़े को हमने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, और सीपी जो है फर्स्ट हॉर्स का वो सेकेंड हॉर्स के एसपी के इक्वल है, सेकेंड हॉर्स के एसपी के इक्वल है, समझेंगे इस बात को ध्यान से, एक बात मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो, अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझोगे तो देखिएगा, ट्रेडिशनल प्रोसेस का आप समझेंगे तो ये सीपी हो गया और ये हो गया एसपी, सीपी एसपी हो गया, ये फर्स्ट हॉर्स के बारे में बात हो रही है और ये सेकेंड हॉर्स के बारे में, तो अगर मैं पहले का सीपी 100 मान लूं तो दूसरे का एसपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसके ऊपर 30% का लॉस है, तो 30% का लॉस होगा, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस बच गया 70%। अब यहां से जाओगे तो इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट है, इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट है, तो इसे कुछ क्या लिखते हैं कि यहाँ 125 लिख देंगे,
कुछ क्या कहेंगे यहाँ सर 75 लिख दो भाई, इस बात को समझेंगे, नॉर्मल सी बात है। 25% प्रॉफिट होने का मतलब है कि 25% को फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 1/4, तो 4 रुपए की चीज बेची गई होगी 5 रुपए में, लेकिन वहां 5 नहीं है, सेलिंग प्राइस दिया लिखा हुआ हमने 100, इसका मतलब 20 गुना है, तो 20 गुना करके यहाँ कितना लिख देंगे 80 लिख दे रहे होंगे, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस आएगा 80, क्योंकि 80 रुपए की चीज के ऊपर जब 25% का प्रॉफिट होगा तो 20 रुपए होगा और उसे जोड़ के हम लिख दे रहे होंगे 100। तो अगर यहाँ से चेक करोगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के 180, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के 170, तो 180 रुपए की चीज को आप 170 में बेचोगे, इसका मतलब आपको 10 यूनिट का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन 170 में नहीं बेचा जा रहा है, आपको लिखाया था मैंने 11,900 में बेचा जा रहा है, 170 यूनिट की वैल्यू है 11,900 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 11,900/170, तो काट दोगे आप कितना आएगा 70 आएगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस बात के लिए आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आकर आपको सोचना पड़ रहा होगा इसका 25% से मुझे यहाँ पे 80 निकालना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये 80 को आप अगर भूल जाते हैं पेपर में तो दिक्कत होगी, लेकिन मैंने आपको जो अभी प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसे नॉर्मली समझ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत इसमें है ही नहीं, बस एक बार देखना है ध्यान से फिर से। देखो पहले घोड़े पे बोल रहा है कि 30% का लॉस है, तो 30% का लॉस का मतलब हो गया 30/100, फ्रैक्शन होगी 3/10, इसका मतलब 10 रुपए में अगर खरीदा जाएगा तो 3 रुपए का नुकसान होगा, तो अगर 10 रुपए में खरीदेगा तो 3 के नुकसान के साथ में कितने में बेच देगा भाई, 7 में बेच रहा होगा 7 में, और 25% का प्रॉफिट है तो 25% का मतलब 1/4, तो 4 रुपए में खरीदते 1 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो 4 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 4 रुपए की चीज कितने बेचेगा 5 रुपए में, लेकिन आपको साफ साफ लिखाया गया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स, मतलब पहले घोड़े का सीपी और दूसरे घोड़े का एससी क्या है बराबर है, तो ये 10 है और ये 5 है, या तो इसे 2 से डिवाइड करा दो या इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराओ, तो अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो रेशो हो जाएगा 10/7 और ये हो जाएगा 8/10, तो अब कुछ करना ही नहीं है, दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया 18 और दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया 17, तो इसका मतलब 1 यूनिट का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन हमने 17 में नहीं बेचे, हमने बेचे 11,900 में, इसका मतलब 17 यूनिट की वैल्यू है 11,900, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,900/17, तो 17 से 7 बार, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 700 होगी कि नहीं होगी, तो आंसर निकल गया हमारा, ठीक है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए, आप सारे के सारे पे इक्वल वाले पे इस पर ट्राई करके देखना आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे, देखो यार मेंस के बैच चल रहे हैं इसकी वजह से क्लास को या वीडियो को लेकर आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि अभी मेंस के बैच जैसे ही जैसे फिनिशिंग मोड पे हैं, तो जैसे जैसे फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद वीडियो की रेगुलरिटी बढ़ा दे रहे होंगे, ठीक है, बस आप अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे जितना देखो टाइम मिल पा रहा है, मुझे आज टाइम मिला थोड़ा सा तो मैं आ जाया, ठीक है, हो सकता है थर्सडे को हम लाइव आए, और थर्सडे को लाइव अगर आते हैं तो मैं आपको लगभग आता प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी टॉपिक आप कहोगे आप कमेंट में कर दें या फेसबुक पे कमेंट कर दें, कहीं पे भी कर दो, फॉलो कर लो अजय राणा को, ठीक है, तो उसी पे कंडीशन पे आप मुझे बताना जो टॉपिक आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी टॉपिक को आपको करा दे रहूंगा, और थर्सडे को मे बी हम लाइव आएंगे, तब तक के लिए ठीक है।